नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिनांक 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुका है जो 17 सितंबर तक रहेगा। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए व कैसे करना चाहिए। पुराणों के अनुसार श्राद्ध का क्या महत्व है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। गरुण पुराण, इस पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण, इसके अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण, इसके अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों वे सम्मार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में क्या करें और क्या ना करें। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर दुष्ट मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुंचता। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते। इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मण हीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है, ऐसा पद्म पुराण, कूर्म पुराण व स्कंद पुराण में आता है। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाहन की अपेक्षा अपराहन श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा पद्म पुराण व मनुस्मृति में आता है। सायंकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप्रजा निंदित संतान पैदा होती है, परंतु जिसके पितर युद्ध में शस्त्र से मारे गए हों वे चतुर्दशी को श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं। चतुर्दशी को श्राद्ध करने वाला स्वयं भी युद्ध का भागी होता है। स्कंद पुराण, कूर्म पुराण व महाभारत में ऐसा आता है। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दिन के आठवें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कोतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। कोतप, खड्ग पात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दौभित्र, ये आठों कोतप नाम से प्रसिद्ध हैं। श्राद्ध में तीन वस्तुएँ अत्यंत पवित्र हैं, दौभित्र, कोतप काल तथा तिल। श्राद्ध में तीन वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं, बाहर और भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी में न करना, ऐसा मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण व विष्णु पुराण में आता है। श्राद्ध के दिन क्या करना चाहिए। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन गीता का सातवें अध्याय का पाठ करें। पाठ करते समय जल भर के रखें। पाठ पूरा हो तो जल सूर्य भगवान को अर्घ दें और कहें कि हमारे पितृ के लिए हम अर्पण करते हैं। जिनका श्राद्ध है उनके लिए आज का गीता पाठ अर्पण है। अगर पंडित से श्राद्ध नहीं करा पाते हो तो सूर्य नारायण के आगे अपने दोनों हाथों के बगल खोले करके ये बोलें, हे सूर्य नारायण, मेरे पिता, पिताजी का नाम लें, अमुक का बेटा, अमुक जाति, अमुक कुल, गोत्र, गोत्र नहीं याद हो तो ब्रह्म गोत्र बोल दें, को आप संतुष्ट सुखी रखें, इस निमित्त मैं आपको अर्घ्य व भोजन कराता हूँ, ऐसा करके आप सूर्य भगवान को अर्घ दें और भोग लगाएं। श्राद्ध करते समय ओम श्रीम ह्रीम क्लीम स्वधा देव्य स्वाहा, इन मंत्रों का जप करना चाहिए।